सो हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और माइनक्राफ्ट के न्यू एपिसोड में। इसमें आपको देने वाला हूँ मैं माइनक्राफ्ट में रियलिस्टिक लंबरगनी मोड पॉकेट एडिशन में ये आपको मिलेगा। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे होगे, यहाँ पे तीन तीन आपको लंबरगनी दिख जा रही है, एक येलो लंबरगनी और एक रेड लंबरगनी और एक ब्लू लंबरगनी। तो दोस्तों, इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डाउनलोड करके कैसे एक्टिव करना है इसको उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो ये फुल्ली रियलिस्टिक लंबरगनी मोड है। और दोस्तों, मीडिया फायर की डाउनलोड लिंक मिलेगी। अब इसकी डाउनलोडिंग प्रोसेसिंग देख लेते हैं दोस्तों, कैसे होगा इसको डाउनलोड। तो कैसे इसको डाउनलोड करके अपने वर्ल्ड में इंस्टॉल कर। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लोगे मेरे दिए हुए मीडिया फेयर के लिंक से, आपको कुछ ऐसा ये देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या होगा, इसको इस पर क्लिक करके डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट हियर कर देना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हियर कर देंगे, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको ओपन करना। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक रिसोर्स पैक, एक बिहेवियर पैक। तो अब आपको रिसोर्स पैक पे क्लिक करना है, और ये जो फाइल दिख रहा है इसको क्लिक करना है, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेना है या फिर कट। उसके बाद आपको चले जाना है डिवाइस मेमोरी में, और यहाँ पे गेम्स फोल्डर में com.mojang। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है रिसोर्स पैक में, इसमें पेस्ट कर देना है। उसके बाद अब आपको आ जाना होगा दोबारा से उसी वाले फोल्डर में जहाँ पर आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर बिहेवियर पैक में आ जाना है। उसके बाद इसको भी सेलेक्ट करके अब यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, डिवाइस मेमोरी में जाइए, गेम्स फोल्डर में जाइए, com.mojang में जाइए, उसके बाद बिहेवियर पैक में इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आपको ये काम हो गया। अब इसको गेम्स में कैसे इंस्टॉल करना है इसकी प्रोसेसिंग को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपना माइनक्राफ्ट गेम ओपन कर लेना है। उसके बाद डायरेक्ट प्ले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, आपको जिस वर्ल्ड में मैं इंस्टॉल करना होगा, इस पेंसिल वाले आइकन पे पहले क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप उसके बाद आप डायरेक्ट नीचे आ जाना है। यहाँ से आपको यहाँ पर एक रिसोर्स पैक दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके माई पैक्स में जाके यहाँ पर लंबरगनी इसको एक्टिव कर देना है। फिर ऐसे ही बिहेवियर पैक में जाना है, इसको भी एक्टिव कर देना है। यहाँ एक्टिव होने के बाद कंटिन्यू करके यहाँ पे डायरेक्ट प्ले का ऑप्शन क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप प्ले का ऑप्शन क्रिएट करोगे, ये आपका वर्ल्ड क्रिएट होने लगे। तो वर्ल्ड को क्रिएट हो जाते हैं, हो जाने देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, मेरा वर्ल्ड हो गया क्रिएट। तो अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर नीचे कॉर्नर में 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, आपकी इन्वेंट्री खुल जाएगी। आपको उसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जाना है, चौथे नंबर वाले, यहाँ पर एग वाले ऑप्शन को क्लिक करके नीचे जाने पर आपको 3 कीज़ दिखेंगी यहाँ पर। तो कीज़ को सबसे पहले ले लेना है। तो मैं येलो वाला भी कार की की ले लेता हूँ, उसके बाद ये ब्लू लंबरगनी की भी ले लेता हूँ। तो अब आपको दोस्तों करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इस रेड वाली को मैं इंस्टॉल करना है। रेड वाली को यहाँ पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही क्लिक करूँगा ये गाड़ी मेरी आ जाएगी। अब इसमें आपको बैठ के चला भी सकते हो। ये रही मेरे येलो वाली लंबरगनी, ये भी इंस्टॉल हो गई। उसके बाद मैं कर लेता हूँ अपने ब्लू वाली को। तो जैसा कि देख सकते हो, मैं ब्लू वाली को भी इंस्टॉल कर लिया। अब आपको इन की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कार को चला भी सकते हो। तो सबसे पहले मैं इन की को हटा देता हूँ, डायरेक्ट की को मैंने हटा लिया। अब इसको चलाने के लिए कार को आपको सामने जाना, अगर आप इसके सामने जाके क्रॉल करोगे तो इसमें एक और ऑप्शन आएगा लाइट ऑन ऑफ करने का, जैसा कि देख सकते हो लाइट ऑन ऑफ करने का। अब मैं खड़ा हो गया, यहाँ पे राइड पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको चला भी सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने वर्ल्ड का 3rd पर्सन में चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने 3rd पर्सन मोड में। तो आप देख सकते हो कितनी स्मूथ चल रही है ये कार, बहुत ही तेज़ी से स्पीड में चलती है ये कार। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। कोई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में।